Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about price movement in the commodity trading. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइस मूवमेंट जो है कमोडिटी मार्केट में वो कैसे वर्क करता है. प्राइसेस जो होती है यूजुअली वो वेरी करती है कमोडिटी मार्केट में इंडिविजुअल कमोडिटी के ऊपर. ये हमें प्राइस मूवमेंट जो है वो हमें दोनों ही जगह दिखने मिलेगा, शॉर्ट रन में अगर हम बात करें या फिर हम लॉन्ग रन में भी देखें. तो शॉर्ट रन जो है उसके अंदर हमें फ्रीक्वेंटली चेंजेस देखने मिल सकता है सप्लाई के अंदर. और ये क्यों होगा? बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, एंड बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल या फिर अदर इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए. जैसे कि अगर हम रीसेंट एग्जांपल की बात करें तो क्लोजर ऑफ द स्यूज़ कैनाल या फिर इंडिविजुअल कंट्रीज़ की जो प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि स्ट्राइक्स हो गया. अगर हम रूल के थ्रू बात करें तो प्राइस चेंज जो है डू नॉट गिव द राइज इन द शॉर्ट रन टू द सब्सटैंशियल चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ द डिमांड फॉर द प्राइमरी गुड्स. बिजनेस साइकिल्स जो होती है इंपोर्टिंग कंट्रीज़ के लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को. मार्केट कंडीशन है वो डिफ़र कर सकती है ऑफकोर्स प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. हर एक प्रोडक्ट के लिए एक अलग से डिफरेंट मार्केट कंडीशन होगी. अगर हम शुगर और वीट की बात करें तो इनका डिमांड जो है वो स्टेबल है बिकॉज ये दो कमोडिटी है जो मेनली रोज़ ही यूज़ होता है. बट इसका जो सप्लाई है वो वेरी कर सकता है. ऐसा ज़रूरी नहीं है जो भी कमोडिटी है उसका प्राइस डिमांड एंड सप्लाई सेम हो, वो दोनों वेरी कर सकता है. अगर हम इंडस्ट्रियल कमोडिटी की बात करें तो कॉटन जो है उसके अंदर हमें फ्लक्चुएशन देखने मिल सकता है बोथ इन डिमांड एंड सप्लाई. अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो एक्सटेंट जो है चेंज का डिमांड एंड सप्लाई का वो यूजुअली ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू द शॉर्ट रन. अ कंसिडरेबली एंड सस्टेनेबल प्राइस इंक्रीजेस, फॉर एग्जाम्पल उसका जो रिजल्ट होगा वो फॉल इन डिमांड भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वो होता है जब भी कोई भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो लोग हमेशा उसका बेस्ट अल्टरनेटिव देखते हैं. तो लोग अपना जो डिमांड है वो स्विच कर देते हैं बिकॉज वो हायर प्राइजेस पे नहीं कर सकते. तो इसकी वजह से जो पहले वाला प्रोडक्ट होगा उसका डिमांड के अंदर हमें फॉल देखने को मिल सकता है. आफ्टर अ नंबर ऑफ ईयर्स जो सप्लाई है वो मे इंक्रीज होगा एट अ हायर लेवल ऑफ डिमांड रिफ्लेक्टेड बाय द हायर प्राइजेस. जो लेंथ है टाइम रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द डिमांड एंड सप्लाई वेरीज फ्रॉम कमोडिटी टू कमोडिटी. बहुत सारे कमोडिटीज़ ऐसे होता है जिसका जो सप्लाई एंड डिमांड है वो जल्दी से एडजस्ट हो जाएगा, बट बहुत सारे कमोडिटीज़ ऐसे होते हैं जिसको ज़्यादा टाइम लगेगा डिमांड एंड सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए. ट्री क्रॉप जो है वो एग्जाम्पल है जिसको लॉन्ग ग्रोथ पीरियड चाहिए रहता है. और मिनरल रिजर्व जो है ऑन अदर हैंड आर टैप्ड ओनली इफ द एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस ट्रेंड्स आर फेवरेबल. हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके वीडियो के टॉपिक्स चेक कर सकते हैं. एंड प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट शेयर. You can follow us on Instagram. Link is in the description box. Thank you.